माँ शारदा परिसर पर युवा शक्ति संगठन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया गया और लोगों से कचरा न फैलाने की अपील अध्यक्ष दिलीप दुबे जी के द्वारा की गई। मैहर स्थित देवी जी धाम मंदिर परिसर में स्वच्छ मिशन पर जोर देते हुए युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष दिलीप दुबे के द्वारा किया गया अपना शहर स्वच्छता मिशन अभियान। साफ सफाई और अपने सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता की अगुवाई में माँ शारदा ड्यूड़ी से लेकर प्रथम गेट तक की गई साफ सफाई और आसपास के दुकानदारों एवं अन्य कारोबारी को समझाइश जोर देते हुए कहा कि हम सभी लोगों को सबसे ज्यादा स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश निर्णायक कदम से कदम मिलाकर चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन अभियान को। संवाददाता पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार हजारिया। समिति में आप किस उसमें पदस्थ हैं? कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष। तो आप यहाँ ये जो सफाई की स्वच्छ भारत अभियान की तरह आज उनके युवा शक्ति संगठन दिलीप त्रिपाठी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें आप कहाँ तक इनके साथ और ये जो कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं श्री दिलीप दुबे जी का सदैव आभारी रहूँगा। इन्होंने हमारे लिए इतनी पूर्व में भी आप सफाई कर्मचारियों के एक स्वागत समारोह के तहत गांधी विद्यालय में कार्यक्रम रखा था और आज भी मैं इनके साथ में हूँ। हमारी टीम पूरी सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ के सदस्य और कर्मचारी इनके साथ में सदैव रहेंगे, आगे भी नहीं रहेंगे। आज आपके द्वारा ये स्वच्छ मिशन के तहत जो आप लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है इसमें आपका क्या उद्देश्य है और ये आपका आगे और भी ये कार्यक्रम चलेगा कि बस यही तक का है? सबसे बड़ी चीज जो स्वच्छ भारत मिशन, लोग कहते हैं कितने नेता हैं क्लीन मैयर ग्रीन मैयर का नारा देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं, पर कोई देखने नहीं आता है। अपना मैयर एक पवित्र नगरी है, आज तक लाखों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आज तक किसी ने देखा क्या यहाँ स्वच्छ है कि नहीं है? और आज की बात नहीं, युवा शक्ति संगठन हमेशा स्वच्छ भारत, आप आगे भी पीछे भी देखेंगे, भूतपूर्व भी, हम आगे भी स्वच्छ भारत का मिशन लेके चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे।